बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर, केवल यहाँ पर बोलना है, मन की बात करनी है, इसके अलावा बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर गलियाँ, रोड, खरंजा जितने भी सब गंदे पड़े हुए हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है अच्छी तरह से, और पानी गंदा आता है नलों के अंदर या जो लगा है जल बोर्ड का पानी है वो भी शुद्ध नहीं आ रहा है। तो इस वक्त हम हैं कल्याणपुरी वार्ड 195 में और यहाँ अगले महीने चुनाव है एमसीडी के, आपको टिकट मिल चुका है बीएसपी से, तो क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे तो यही है कि आप परेशानियों को नाली वाली खंजा सब कंप्लीट हो, पब्लिक को सेवा पूरी मिले, यानी सेवा पूरी मिले, परेशानी कोई बात नहीं, साफ सफाई अच्छे से दूर करेंगे। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, वो काम करती थी सही से कि नहीं? बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर, केवल यहाँ पर बोलना है, मन की बात करनी है, इसके अलावा बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर गलियाँ, रोड, खरंजा जितने भी सब गंदे पड़े हुए हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है अच्छी तरह से, और पानी गंदा आता है नलों के अंदर या जो लगा है जल बोर्ड का पानी है वो भी शुद्ध नहीं आ रहा है। तो यहाँ की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है, और जहाँ पर आप गलियों में देखेंगे तो गलियों में इतनी नाली सड़ी पड़ी है, मच्छर पैदा आ रहा है, इस समय डेंगू की मात्रा बहुत बढ़ रही है मलेरिया की। तो इस बीमारी को दूर करने के बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है, जो कि आज इस देश के अंदर मतलब कल्याणपुरी बाढ़ ही नहीं, पूरे देश के अंदर जितनी भी समस्याएं, एक पार्टी बीएसपी है जो इस समय इसका समाधान करती है। इसके लिए मैं चाहती हूँ आप इनके बारे में कुछ बताएं। ये रामधन जी हैं और बहुत अच्छे, इन्होंने भी सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद अब आए कि भाई देख कर, जब बहुत से लोग यहाँ चुनाव लड़ चुके और जिन्होंने किसी ने भी काम नहीं किया है, और उनके काम को देख कर इन्हें के मन में इच्छा पैदा हुई कि भाई समाज की सेवा करूँ और यहाँ के लोगों के जो दुख दर्द हैं उनको दूर करने के लिए, जितना मेरे प्रति मेरे द्वारा संघर्ष हो सकता है इनको दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँ। और बताइए, जैसे यहाँ पर सफाई होती ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार कड़ी टक्कर में है बीजेपी से, और बीएसपी आपको क्या लगता है कहाँ तक खड़ी होगी? बीएसपी तो हमेशा से खड़ी है, बहुत पुराने समय थे तो 1984 से ही खड़ी हुई है, और जहाँ भी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में चार बार बहन जी की सरकार बनी, उन्होंने चार बार में जो उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है, चाहे नौकरी से संबंधित है, चाहे जिलाओं से संबंधित है, चाहे महापुरुषों से संबंधित है, विद्यालयों से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, या जो है जितने भी कार्य है वो सभी कार्य बहन जी ने अपने बलबूते पे, और जहाँ पर जो काम कभी नहीं हुए ऐसे काम किए, जैसे बुद्धा सर्किट रेस जो है, यमुना एक्सप्रेस वे, जो कि आप जब 100 मिनट 1-2 घंटे में आगरा पहुंच सकते हैं। लेकिन 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 एक बात बताइए कि काफ़ी साल से बीएसपी की सरकार नहीं आई है, तो उसमें उसका रीज़न क्या है, और अगली बार क्यों आए, जनता से क्या बोलेंगे कि क्यों दे आपको? क्योंकि पहले मतलब जो गलतियाँ उन गलतियों का हमने सुधार लेंगे, और इसके बाद क्यों आएगी, क्योंकि जो लोगों ने पीछे सरकार आई है, जिन्होंने काम नहीं किया है, उन काम के देखते हुए उन लाल जो लाल देते रहे कोई काम नहीं किया, तो हम बीएसपी वही है काम करेगी, और पीछे वालों को जिन्होंने निगम पार्षद है या एमएलए है या काउंसलर है जिन्होंने काम नहीं है उनके काम को देखते हुए हम उनके काम के द्वारा अच्छा काम करने का प्रयास करें, जिससे कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं या उन समाधानों को उन समस्याओं का समाधान अच्छी तरह कर सकते हैं। खुशहाल रहे, और क्या बात है, आखिरी में जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता की सेवा करेंगे, जो भी ऐसे इनके जो भी परेशानी है उनको दूर करेंगे। हाँ, खुशहाल देखेंगे हम।